अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी हम बहुत ही मज़े के लेकर आए हैं आपके लिए, कीमा आलू की। तो कीमा आलू की रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने हाफ के जी कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ, और इसको अच्छे से वॉश करके इसको खुश्क कर लिया था। और यहाँ पर मैंने एक पाव आलू लिए हैं, तो उसके अंदर ये देखें 4 आलू चढ़े हैं, 3-4 हरी मिर्चें, 3 टमाटर, 2 दरमियाने प्याज, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और स्पाइसेस में 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। और यहाँ देख लीजिए ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, 3-4 मैंने गोल पटना मिर्चें जिसको कहते हैं वो ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 6-7 काली मिर्चें, 6-7 लौंगें, और यहाँ पे नमक हसबे ज़रूरत। तो ये सब चीज़ें हमारी कीमे के साथ, इसको जब हम कीमा पकाने के लिए रखेंगे तो उसमें शामिल करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच करें प्लीज़। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने एक पैन ले लिया है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले कीमा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ये जो सब थे ये सारी चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज, और पानी। फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हमने कीमे के साथ डाल के चढ़ा दी हैं, और मैंने इसमें 2 गिलास पानी का भी शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा कीमा ना गल जाए। अभी इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं शामिल करना जब तक ये पकेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद का क्या स्टेप है, किस तरह उसे बनाना है। बहुत लजीज बनता है इस तरह से आलू कीमा, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जब तक कीमा पक गया। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है कीमे में, और ऑलमोस्ट हमारा कीमा भी गल चुका है। अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के बराबर इसमें ऑयल शामिल किया। अब इसको भूनेंगे और इसको भूनेंगे और फिर टमाटर शामिल करेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई करके फिर इसको भूनना है। और जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने आलूओं को ऐसे बारीक बारीक क्यूब्स में भी कट कर लिया है, ये देखिए, और मिर्चों को भी और टमाटर को भी ऐसे बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया। अब टमाटर शामिल करेंगे। कीमे में ऑयल शामिल कर दिया था मैंने, और अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, इसमें रखेंगे हैं, और अब भून लेंगे इसको अच्छे से। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए टमाटर हल्के हल्के से नरम हो चुके हैं। अब इसमें स्पाइसी सारी शामिल कर देंगे, इसमें रखेंगे हैं, और अब इसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर के नरम होने तक। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए कीमा कितने अच्छे तरीके से भून चुका है, और ऑयल देखिए माशाल्लाह साइड में आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू, इसको और अब इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5-6 मिनट हो चुके हैं हमें आलू डाल के इसको भूनते हुए। तो इसके बाद फिर अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं कि आपको ग्रेवी रखनी है या बस सूखा सूखा रखना है। तो पानी इसमें शामिल करूंगी मैं 1 गिलास। उसके बाद तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आलू कीमा हो चुका है रेडी।
और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी सा बना था। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।